आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा एक नए ग्रह की खोज की गई है। इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और एक सामान्य नॉलेज के हिसाब से भी ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस ग्रह के बारे में मिल जाए। तो जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको ये कैसी लगी, ताकि हम इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे आगे भी। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं सामान्य परिचय के रूप में, जो कि अभी हाल ही में एक नया ग्रह खोजा गया है नासा के द्वारा। नासा अमेरिका की एक सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है और भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। तो ये दो एजेंसियां हैं, यानी कि इसरो जो है भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, और ये जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ये है बंगलुरु शहर में है, यानी कि कर्नाटक राज्य में। यानी कि इसरो के द्वारा भी काफी नई नई खोजें की गई हैं, लेकिन अभी हाल ही में यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा एक नए ग्रह की खोज की गई है। इस ग्रह की जो मेन विशेषता ये है कि इसमें जो वायुमंडल में बादल मिले हैं, वह पृथ्वी के जो बादल हैं उसके समान पाए गए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और आपको बताएं हम कि विज्ञान के क्षेत्र में एक सामान्य परिचय के रूप में समझ लेते हैं कि वर्तमान युग विज्ञान का युग है, नई नई खोजें होने लगी हैं। ऐसे ही तकनीकी क्षेत्र में यानी कि अपनी जो वैज्ञानिक हैं, विश्व के वैज्ञानिक हैं और भारत के वैज्ञानिक जो हैं नई नई खोजों में लगे हुए हैं। तो विज्ञान तकनीकी का एक एरिया है जो कि स्पेस के नाम से जानते हैं हम। स्पेस के क्षेत्र में कुछ सालों से नई नई खोजें होने लगी हैं, जैसे भारत ने मंगल अभियान भेजा था, अभी हाल ही में चाइना ने भी मंगल पर अपना अभियान भेजा है। इसी प्रकार नासा जो है कई ग्रहों पर इस समय खोज करने में लगा हुआ है, लेकिन इसी प्रकार के जो ग्रह हैं नासा के द्वारा सबसे ज्यादा खोजे गए हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखिए आप कि नासा के जो वैज्ञानिक हैं और जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, इन दोनों में एक अंतर है, क्योंकि जो इसरो है उसमें भारतीय वैज्ञानिक यानी कि कार्यरत हैं, और जो नासा है यहाँ पर विश्व के माने हुए जो फेमस यानी कि फेमस जो साइंटिस्ट हैं वह यहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए नासा जो है नंबर एक पे स्पेस एजेंसी मानी जाती है दुनिया की। तो हम बात करते हैं जो अभी हाल ही में ग्रह खोजा गया है यानी कि नासा के द्वारा। इस ग्रह का नाम आप ध्यान रखें, इसका नाम है यानी कि TOR 1231। ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है, TOR यानी कि 1231, ये इसका नाम है जो कि नासा के द्वारा ये नाम रखा गया है। और ये जो अभी हाल ही में ग्रह खोजा गया है, यह है पृथ्वी से यानी कि पृथ्वी से 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यह ग्रह जो है लगभग ऐसा बताया गया कि इसका आकार और घनत्व की बात करें तो नेपच्यून के समान है। और ये जो ग्रह है, नासा ने बताया कि यह है एक ग्रह जो है ठंडा ग्रह है जो अभी खोजा गया है। इसका नाम आप ध्यान रखें, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम,
यानी कि TOR 1231 इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे आते हैं कि अभी हाल ही में जो नासा के द्वारा पृथ्वी के समान जहां पर जो बादल मिले हैं उस ग्रह का नाम क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे आते हैं। और आपको बता दें हम कि यहां पर जो है जीवन की तलाश की जा रही है नासा के द्वारा। हो सकता है यहां पर कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिले, लेकिन नासा के जो वैज्ञानिक हैं यहां पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और यानी कि खोजों में लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई है। और आगे भी कोई अगर नई खोज होती है यानी कि या तो इसरो के द्वारा या नासा के द्वारा, तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे। और अभी हाल ही में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी करंट अफेयर्स की, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुक्र ग्रह पर 2028 से 2030 के मध्य दो अभियान नासा के द्वारा भेजे जाएंगे शुक्र ग्रह पर, ये आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, करंट अफेयर्स की हमारी प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको ये मिल जाएगी। और इसमें करंट अफेयर्स में यानी कि 5 जून से यानी कि 11 जून के बीच की करंट अफेयर्स भी हमने शामिल की है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। कोई भी अगर नई खोज होती है या फिर कोई विज्ञान के क्षेत्र में कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें आप लोग, और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको ये कैसी लगी, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार के नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।